greetings to everyone. Hoping that you all are good with your families. सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो के लिए आज की. लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज द इम्पोर्टेंट वन. आई हैव टोल्ड यू एंड दैट वाज बेसिक अप्रोच इन द स्टेटिस्टिक्स. ये जो चीज़ हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी यही चीज़ आगे अभी सभी स्टेटिस्टिक्स के अंदर एप्लीकेबल करनी है. तीन तरह की स्टेटिस्टिक्स है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक. ठीक है, तो ये आइडिया मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दे दिया था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आज की हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर इसका यूज कर सकें. बेसिक अप्रोच में सबसे पहले तो ये बताया था कि सिस्टम जो है वो हम डायनेमिक लेकर के चलेंगे, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे और हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में उसको यूज करना है ताकि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को यूज कर सकें हम. ठीक है, जो हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को यूज करेंगे इसमें उसको W से रिप्रेजेंट करना है और हम क्योंकि W की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होती है इसीलिए हम उसको लॉगरिथम में यूज करने वाले हैं, LNW में इंस्टेड ऑफ W. ठीक है, चलिए आज हम इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि देखो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है ये W के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट LNW में यूज करी हमने, उसका डिफरेंशिएशन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन जीरो. ऐसे ही सेकंड कंडीशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर फिक्स्ड, यानी N1 प्लस N2 प्लस N3 की वैल्यू NK इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, और जब इसकी वैल्यू फिक्स है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा. तीसरी कंडीशन में हमने टोटल एनर्जी को स्टडी करा. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एक की U1 दूसरे की U2 UK, तो N1 U1 फर्स्ट एनर्जी, सेकंड एनर्जी और ये कांस्टेंट इसके बराबर आ गई. इसको हम समेशन की टर्म्स में लिख सकते हैं, ऑल आर कांस्टेंट, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो टोटल एनर्जी चेंज इन टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल रिमेंस कांस्टेंट. फिर हमने इस इक्वेशन को अल्फा से, इस इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाई करके और इसके अंदर ऐड कर दिया था. यहाँ पर ये देखिए, ये वैल्यू माइनस अल्फा से माइनस बीटा से ऐड कर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया एंड ऑल दिस आर इक्वल टू व्हाट, जीरो. ये हमारी बेसिक अप्रोच है जो हमने यूज़ करनी है आज. तो आज का टॉपिक हम यूज़ इसी अप्रोच के ऊपर बेस्ड है वो सारा का सारा. ध्यान से देखेंगे, टॉपिक इज योर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करना है, डायनेमिक सिस्टम कंसिडर करना है. जैसे अप्रोच में था हमारा बेसिक अप्रोच में, कंसिडर ए डायनेमिक बट आइसोलेटेड सिस्टम जिसके अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं, कंटेनिंग n मॉलिक्यूल्स. ठीक है, n मॉलिक्यूल्स हैं और जिस डायनेमिक सिस्टम को हमने लिया है हैविंग वॉल्यूम v, हैविंग वॉल्यूम v. फिर इस v को हमने डिवाइड कर दिया किस में, स्पेस फेज में, डिस्ट्रीब्यूटेड इन फेज स्पेस. स्पेस को हम डिवाइड कर देते हैं किस में, शेल्स के अंदर, कंपार्टमेंट्स या सेल, हैविंग के शेल्स. CELL के शेल्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो जब हमने इसको के सेल्स में डिवाइड कर दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो सेल्स हैं सभी के एनर्जी लेवल्स भी के तक होंगे. लेट द सिस्टम बी डिवाइडेड इनटू के एनर्जी लेवल्स, के एनर्जी लेवल्स.
ठीक है, और एनर्जी लेवल कैसे, सच दैट एन वन एन टू एन थ्री एन के हैविंग एनर्जीज यू वन यू टू एंड यू के, ठीक है, के एनर्जी होंगे क्योंकि के शेल्स में डिवाइड कर दिया, तो अरे की एनर्जी इसके अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारी हो गई, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी यानी कि एल एन डब्ल्यू को लिखने वाले हैं। वी नो द थर्मोडायनेमिक डायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय डब्ल्यू से डिनोट करते हैं हम, ठीक है, और ये एन वन एन टू और एन के पार्टिकल्स के लिए हम इसको लिखते हैं। डब्ल्यू की वैल्यू हम पिछले आर्टिकल्स में फाइंड आउट कर चुके हैं, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय पाई, पाई का मतलब प्रोडक्ट से है यहाँ, के इज इक्वल टू आई से लेकर के तक, सॉरी आई की वैल्यू है ये, आई इज इक्वल टू वन से लेकर के तक, आई इज इक्वल टू वन टू के क्योंकि के शेल्स हैं, के एनर्जी हैं एंड फैक्टोरियल एन, ठीक है। ये आर्टिकल हम पहले डिटरमाइन कर चुके हैं, दिस इज आई इज इक्वल टू वन टू के। अब इसका क्योंकि लार्ज वैल्यूज में होता है, तो अभी बताया था मैंने आपको बेसिक अप्रोच में डब्ल्यू नहीं लेते हम, इसको लॉगरिथम में लेते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। जैसे ही इसको लॉगरिथम मिलेंगे देन एल एन डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू, ये ऊपर और नीचे हैं तो मल्टीप्लाई में होते तो प्लस, डिवाइड में है तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि एल एन फैक्टोरियल एन माइनस, और ये पाई जो है किस में चेंज हो गया, समेशन के अंदर, आई इज इक्वल टू वन टू के एल एन एन आई, ठीक है, फैक्टोरियल एन। समेशन में क्यों चेंज हो गया ये, क्योंकि मल्टीप्लाई है यहाँ पर सब कुछ वैल्यू, और मल्टीप्लाई जब लॉगरिथम में लेते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, एडिशन में, और एडिशन को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन लिख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए दिस पाई इज चेंजेस इनटू समेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने थोड़ा सा इस चीज़ का। एल एन एन आई माइनस में क्योंकि डिवाइड था, और पाई जो है वो समेशन में क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वन टू के, और लॉगरिथम एल एन फैक्टोरियल एन, ठीक है। अब क्योंकि इसमें एल एन और फैक्टोरियल एन आ गया है तो स्टर्लिंग्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहां, यूजिंग स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन या स्टर्लिंग्स फॉर्मूला। क्या होता है ये, अगर हमारे पास एल एन फैक्टोरियल एन है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज एन एल एन लॉगरिथम एन माइनस में एन, ठीक है, ये एल एन है, एल एन फैक्टोरियल एन है तो एन एल एन एन माइनस एन है। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास इसी तरह से है और यहाँ पर ये वैल्यू भी इसी तरीके से लिखी जा सकती है, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, एल एन डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू, इसको इस फॉर्मूले से लिख देते हैं, एन एल एन एन लिख दिया और माइनस में क्या आ गया, एन आ गया, माइनस समेशन में है ये वैल्यू, समेशन आई इज इक्वल टू वन टू के, और क्योंकि समेशन के अंदर है स्टर्लिंग फॉर्मूला तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं और ऐसी ही वैल्यू इसके अंदर भी लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि समेशन में है तो या तो आप दोनों बार समेशन लिखो, यहाँ भी समेशन लगाओ इसके साथ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, दोनों बार लगा देते हैं, माइनस में एक बार यहां लगा दिया एन आई एल एन एन आई, ठीक है, क्योंकि ये जो है एन आई का फैक्टोरियल है, ये ध्यान रखना है, यहां एन आई है, एन आई का फैक्टोरियल है ये, तो यहां एन आई
ln एन आई माइनस, ठीक है, एक बार तो समेशन इसके साथ लग जाएगा, ठीक है, और एक बार समेशन किसके साथ लग जाएगा, दूसरी वैल्यू के साथ लग जाएगा, चाहे तो आप इसको यहां से ब्रैकेट को रिमूव कर लें, ठीक है, और माइनस को बाहर ले लो। इस वैल्यू को मैं आगे लिख रहा हूं दोबारा से, क्योंकि यहां पर यह होने वाला नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोगों ने। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, वैल्यू ये थी हमारे पास ln w, दिस इज इक्वल टू ln फैक्टोरियल n माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k ln n i फैक्टोरियल, ठीक है, इसको हमने लिखना था स्टर्लिंग फॉर्मूला से, और स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या है, स्टर्लिंग फॉर्मूला ln फैक्टोरियल n, दिस इज इक्वल टू n ln n माइनस n, ये होता है स्टर्लिंग फॉर्मूला, ठीक है, इसका यूज करना है हमने इसमें भी और इसके अंदर भी, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ln w, दिस इज इक्वल टू, इसको इसके अकॉर्डिंग ले देते हैं n ln n माइनस में n, ठीक है, माइनस बाहर ले लिया इसका, और समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k, एक बार तो फैक्टोरियल n ln को क्या लिखेंगे, n i ln n i, ठीक है, ये वैल्यू लिख दी हमने इसके अकॉर्डिंग, माइनस, क्योंकि ये भी वैल्यू समेशन के साथ रहेगी, माइनस ऑलरेडी था यहां पर तो माइनस को बाहर ही लिख दिया हमने, ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज, और इसके अकॉर्डिंग माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के और एन आई, ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा सबको इस चीज के लिए। आगे सॉल्व करते हैं इसको, एन एल एन एन माइनस एन, ये माइनस के समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के एन आई ln n i, ठीक है, और ये क्या है, अगर i की वैल्यू 1 पुट करेंगे n 1, i की वैल्यू 2 पुट करेंगे n 2, और उन सब का क्या है समेशन, तो इसको हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि n रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और जब इसको हमने n से रिप्रेजेंट कर दिया तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ln w की वैल्यू हमारे पास क्या रह गई, ln w दिस इज इक्वल टू n ln n माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k n i ln n i, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब लॉगरिथम में तो हमने इसको निकाल दिया, फिर इसका क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन, बेसिक अप्रोच के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, और डिफरेंशिएट लेने के बाद उसका, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, एंड टेकिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, बिकॉज ऑब्टेनिंग द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, ऑब्टेनिंग द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जब पहुंच गई तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, तो इसका हम डिफरेंशिएशन लेंगे, तो डिफरेंशिएशन लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए है, दिस इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड है तो इसका डिफरेंशिएशन भी कितना हो जाएगा, टोटल जीरो ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ln की वैल्यू भी जीरो के बराबर, माइनस, अब ये चेंज हो रहा है, ये वेरिएबल में है, एन आई है यहाँ पर, तो इसका लिख देते हैं माइनस समेशन इज इक्वल टू 1 टू के, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि डी एन आई, ये वैल्यू एज इट इज एल एन एन आई, ठीक है, प्लस एन आई एज इट इज, और ln का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन आई इंटू में डी एन आई, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज,
फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एन आई, और एन आई का ये हो जाएगा हमारे पास, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास क्या वैल्यू बची, माइनस में समेशन आई इज इक्वल टू वन टू के डी एन आई एल एन आई माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दिया ये, समेशन आई इज इक्वल टू वन टू के एंड दिस इज डी एन आई के बराबर, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू के बराबर, ठीक है। माइनस ओपन करा, यहाँ ये आ गया और इस माइनस के साथ ये वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमारे पास इसका लॉगरिथम आ चुका है, तो अब अल्फा और बीटा को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से करते हैं, दूसरा एनर्जी से करते हैं। सो यूजिंग बेसिक पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कांस्टेंट और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हैं, तो यानी एन इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू अप टू एन के, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, एन के बराबर है ये सब कुछ, और इसका डिफरेंशिएशन लेंगे हम, सो वी कैन राइट आई इज इक्वल टू वन टू के एन आई, डिफरेंशिएशन में दिस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब ये वैल्यू इक्वल टू क्या हो गई, जीरो के, इसको नाम दे दो अब इक्वेशन नंबर थ्री, ताकि इसको अल्फा या बीटा जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर सकेंगे। अब डी एन आई की वैल्यू जीरो है, तो इक्वेशन नंबर टू में ये टर्म है हमारे पास, तो इस टर्म की जगह हम क्या रख सकते हैं, जीरो। सो इक्वेशन नंबर टू बिकम्स, ये जीरो के बराबर हो गई, तो वैल्यू क्या बची हमारे पास यहाँ पर, समेशन आई इज इक्वल टू वन टू के डी एन आई एल एन आई एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, माइनस भी खत्म हो गया यहाँ से और ये टर्म भी क्या हो गई, जीरो। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फोर का, ठीक है। अब एनर्जी का बेसिक पोस्टुलेट यूज करते हैं, ऑल्सो फ्रॉम बेसिक पोस्टुलेट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। और टोटल एनर्जी अगर सिस्टम की कांस्टेंट है, तो फर्स्ट की एनर्जी ये, सेकंड की एनर्जी ये, और लास्ट की एनर्जी यू के, एंड ऑल दिस इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और जब ये सारी एनर्जी कांस्टेंट है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू वन टू के एन आई यू आई, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और समेशन इज इक्वल टू वन टू एन, एन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू वन टू के यू आई इंटू में डी एन आई, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन डी एन आई का किसके बराबर है हमारा, जीरो के बराबर है, तो जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स कर देंगे और उसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, इट मीन्स ऑल दिस इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फाइव का। अब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए वैल्यू आ गई, एनर्जी के लिए वैल्यू आ गई, ठीक है। इन दोनों को हम अल्फा और बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं। अब मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर थ्री बाय अल्फा, ठीक है, और दिस फाइव बाय बीटा, और इसको हमने ऐड करना है किसके अंदर, एल एन डब्ल्यू के अंदर, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर थ्री बाय अल्फा एंड
फाइव बाय बीटा एंड एड इट इनटू इक्वेशन नंबर, ये कौन सी हमारी फोर, फोर के अंदर इसको, यहाँ ये फोर के अंदर ऐड करना है इसको, इक्वेशन नंबर एड इनटू टू फोर। तो समेशन आई इज इक्वल टू वन टू के अल्फा डी एन आई, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, प्लस समेशन आई इज इक्वल टू वन टू के बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया यू आई डी एन आई को, प्लस समेशन आई इज इक्वल टू वन टू के एल एन आई डी एन आई, और ये सारा किसके बराबर है, जीरो। इक्वेशन नंबर फोर के अंदर था ये सब कुछ, ठीक है। फोर ये थी हमारी सिर्फ, इसमें अल्फा और बीटा से मल्टीप्लाई करके उनको हमने ऐड कर दिया। समेशन सब में सेम है, कॉमन ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू वन टू के, यहाँ पर क्या रखना, अल्फा डी एन आई भी, डी एन आई भी, डी एन आई भी, तो बाद में ले लेंगे उसको, बीटा यू आई प्लस एल एन एन आई और डी एन आई, दिस इज इक्वल टू जीरो। सबको जीरो के पास ले जाओ, ख़त्म हो गई वैल्यू, क्या रह गई हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा यू आई प्लस एल एन एन आई एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम एन आई को निकालना चाहते हैं, तो ये दोनों टर्म हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, एल एन एन आई दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा यू आई, ठीक है। और लॉगरिथम को हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं हम इसको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन आई दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा इंटू ई की पावर माइनस बीटा यू आई, और वी कैन राइट एन आई दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा, तो यही था हमारे पास, ठीक है। अल्फा को हमने मान लिया ए, ई की पावर माइनस अल्फा को कंसिडर कर लिया ए, इंटू ई की पावर माइनस बीटा यू आई, ठीक है। वेहर ए किसके बराबर है हमारा, ई की पावर माइनस अल्फा, दैट इज ए कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट हमने कंसिडर कर लिया इसको। और जब इसको अनदर कांस्टेंट कंसिडर कर लिया, नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर सिक्स या फाइव, चलो फाइव दे देते हैं, इस इक्वेशन से हमें ये पता चल गया कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहे हैं माइनस के साथ है, एनर्जी की टर्म्स में, क्योंकि यू एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी के कम होंगे, लोअर एनर्जी के ज़्यादा होंगे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज है माइनस के साथ है, और जब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज है सो वी कैन राइट और ड्रॉ लाइक दिस, यू आई यानी कि एनर्जी, ये हो गया आपका, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन आई यहाँ ले लिया, तो जिनकी एनर्जी कम है वो ज़्यादा है एक्सपोनेंशियली, एंड जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते चले जाएंगे, ठीक है। दिस इक्वेशन फाइव शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल्स। इट ऑल्सो शोज दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच सेल, हर एक सेल के अंदर, इज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी, इज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट सेल, यानी कि ये एक तरीके से एनर्जी का फंक्शन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और इस वजह से इस आर्टिकल को कई बार एक नाम दे दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ,
कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये कई बार इस नाम से भी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर n की वैल्यू, n i की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन इसके अंदर हमें दो टर्म मिले हैं, एक तो a कांस्टेंट के फॉर्म में और एक बीटा है, तो हमने इन दोनों को भी फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम a और बीटा दोनों को डिटरमाइन करें।